हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे साग के बारे में। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे साग की अचीवमेंट्स क्या कैवियाट्स हैं उसकी प्रोग्रेस में, एंड कंपैरिजन करेंगे वेरियस साग नेशंस का ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन यानी साग की इस्टेब्लिशमेंट हुई ऑन 8 दिसंबर 1985 एंड जो साग चार्टर था उसको साइन किया गया इन ढाका। तब इसके 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे, प्रेजेंटली 8 हैं। तो अफगानिस्तान जो नया मेंबर है उसको 2007 में ऐड किया था। तो प्रेजेंटली जो मेंबर्स हैं वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इंडिया के सभी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। साग का सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में एंड इसको सेटअप किया था इन 1987। ऑब्जेक्टिव्स देखें अगर हम साग के, तो बेसिकली काफ़ी ब्रॉडर एजेंडा पर ही काम करता है, जैसे वेलफेयर प्रमोट करना ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना, मोरओवर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो ऐसी बातें, एंड ऑल्सो कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग वेरियस साउथ एशियन कंट्रीज, तो वो भी साग का एजेंडा है प्रमोट करना उसको भी। एंड जो डिसीजंस होते हैं साग में वो यूनानिमसली लिए जाते हैं, तो कोई भी अगर मेंबर डिसएग्री करता है किसी बात पर तो उस चीज़ को नहीं परसू किया जाता। एंड इसमें बाइलेटरल एंड कंटेंशियस इश्यूज जो हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, उन पर कोई चर्चा नहीं होती, डेलिब्रेशंस नहीं होते। इसी चीज़ को साग की एक शॉर्टकमिंग भी मानते हैं, क्योंकि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं वेरियस नेशंस के, ऑल दो बायलेटरली होंगे, तो वो प्रोग्रेस को, ओवरऑल जो ये रीजनल एसोसिएशन है इसकी प्रोग्रेस को हैम्पर करते हैं। तो ये एक कैवियाट है, लेकिन फिर भी जो डिसाइड हुआ था वो चार्टर में ऐसे ही डिसाइड हुआ था। एंड जो मीटिंग्स होती हैं हेड ऑफ द स्टेट्स की, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है साग की। ऑल दो होम मिनिस्टर्स की मीट एंड टेक्निकल कॉपरेशन की मीट, टेक्निकल एसोसिएशन की या फाइनेंस मिनिस्टर्स की, वो मीट्स भी चलती रहती हैं। जो समिट्स हैं साग के वो बाई एनुअली होस्ट किए जाते हैं, यानी 2 साल में एक बार, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, जैसे स्टार्टिंग विद अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, भूटान, ऐसे करके। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नेशंस हैं वो होस्ट करते हैं, जो नेशन होस्ट कंट्री होगा उस समिट का वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिजाइड करेगा, वही चेयर होगा। एंड जो पहला समिट हुआ था वो हुआ था ढाका में इन 1985, एंड उसके बाद जो लेटेस्ट हुआ है अब प्रेजेंटली वो 2014 में हुआ था। इसके बाद 19 साग समिट होना था इस्लामाबाद में, लेकिन जो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड अफगानिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, तो वो समिट डिसॉल्व हो गया, वो हो नहीं पाया। एंड परमानेंट मेंबर्स के अलावा अगर हम देखें तो 9 ऑब्जर्वर्स भी हैं साग के, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड ईरान, ये भी इंक्लूडेड हैं। तो ये जो ब्लू में हैं, लाइट ब्लू में, वॉलेट में, ये ऑब्जर्वर्स हैं, एंड जो डार्क ब्लू में आप देख रहे हैं दैट इज़ द परमानेंट मेंबर्स। एंड अगर हम साग की ओवरऑल बात करें तो ये कंप्राइज करता है 3% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया, बट 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इस रीजनल एसोसिएशन में ही, एंड बट ओनली 3.8% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। तो यहीं से हमें जो पॉवर्टी है या अंडर डेवलपनेस का अंदाज़ा हो जाता है कि 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बट सिर्फ 3.8 अराउंड 4% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। एंड ये डेटा 2015 का है, बट आई एम श्योर इतना ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं हुआ होगा इसके बाद भी। अगर हम रोल की बात करें साग के या अचीवमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास है इसने इंक्रीज की कॉपरेशन सब्सटेंशली, जैसे साग डेवलपमेंट फंड बनाया गया 2005 में, जिसमें क्या डिसाइड होता है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा अ कॉम्प्रिहेंसिव फंडिंग मैकेनिज्म, जो 3 विंडोज़ के ऊपर जो फंडिंग प्रोवाइड करेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि फंडिंग प्रोजेक्ट बेस्ड कोलेबोरेशंस के ऊपर होगी। मोरोवर इसके अलावा साग आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाया गया 2007 में, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम जो सेटलमेंट्स हैं डिस्प्यूट्स की वो कर सकें विया आर्बिट्रेशन विद इन द रीजन। तो यहीं के मसले यहीं पर ही सॉल्व किए जाएं। नेक्स्ट वी हैव साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, 2007 में ही इसको बनाया गया। एंड ये क्या है, इसके थ्रू क्या किया कि मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको कंपलसरी एक कंडीशन रख दी कि जो भी डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स देगी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वो सभी मेंबर्स में
इक्वल ही मान्य होंगे जैसे कि उनके नेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। इसके अलावा साक रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन साक 2011 में इसको बनाया गया ताकि हम स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर सकें एंड प्रमोट कर सके कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ मेट्रोलॉजी एक्रेडिशन एंड कन्फॉर्मिटी असेसमेंट ताकि कैपेसिटी इन्हेंस की जा सके एंड ऑफ वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वो टेक्निकल टास्क जो है वो कैरी आउट कर सके। तो बेसिकली जो पैरामीटर्स है उनको यूनिफॉर्म बनाने की ट्राई हो रही थी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसके बाद हमारे पास अगर हम इकोनॉमिक एंड ट्रेड डिस्कशंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें तो साफ्टा के बारे में आपको पता होगा, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये अग्रीमेंट जो था इसको साइन किया गया था ड्यूरिंग द 12th समिट जो इस्लामाबाद में हुआ था इन 2004 एंड 2006 में ये चीज़ इन्फोर्स आ गई। एंड इसके अंडर क्या है कि जो साक मेंबर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज रिड्यूस करेंगे फॉर द अदर मेंबर कंट्रीज एंड कम करके लेकर आएंगे 2009 तक बाय इट विल बी कट डाउन बाय 20%। तो इतनी ज़्यादा रिडक्शन करनी पड़ेगी अपनी ड्यूटीज़ में ताकि जो फ्री ट्रेड जो एरिया बन सके प्रॉपर। एंड ऑल्दो इसके बाद जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुई, बट जो इंट्रा साक ट्रेड थी वो अभी तक सिर्फ 1% ऑफ साक जीडीपी है। तो ये काफ़ी कम है अगर हम नंबर्स के टर्म में देखें। तो इम्प्रूवमेंट तो हुई लेकिन इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल ऑन ग्राउंड हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख पाई। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है साउथ एशिया सेटेलाइट SAS जो इंडिया ने इसरो ने ही बनाई थी एंड लॉन्च की गई थी टू बूस्ट कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूव डिजास्टर लिंक्स बिटवीन 7 साक कंट्रीज। तो पाकिस्तान इस सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, दूसरे जो 7 रिमेनिंग साक कंट्रीज़ हैं वो सभी इससे जो डेटा शेयर करेंगे। एंड इसको बनाया एज आई हैव टोल्ड यू इसरो ने बनाया एंड इसको एंटायरली इंडिया ने ही फंड किया है एंड पिछले ही साल इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड प्रोवाइड करेगी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनको DTH की सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी एंड लिंक करेगी फॉर डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता रहेगा। मोरओवर अगर हम कैवियाट्स की बात करें क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं साक में, तो साक दूसरे जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जैसे EU है, आसियान है या मर्क्यूसर है ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, उनके कंपैरिजन में काफ़ी नॉन स्टार्टर टाइप रहा है। ऑल्दो कितने टाइम पहले ये इस्टेब्लिश हो गया था इन द लेट 1980s, लेकिन अभी तक जो सब्सटेंशली ये ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि जो इंट्रा रीजनल ट्रेड भी अगर हम देखें तो वो अराउंड 5% है इन गुड्स एंड 0.2% इन सर्विसेज, तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम आसियान में देखें तो इट इज़ 26% एंड मर्कोसर के केस में इट इज़ 15%। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंडर परफॉर्मिंग रहा है साक। तो रीज़न क्या है कि क्यों इतनी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि सबसे पहली बात है पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया इतना बड़ा लैंड एरिया साक का इसी में इंडिया में ही काउंट होता है एंड पॉपुलेशन भी अगर हम नंबर वाइज देखें तो कितनी ज़्यादा इंडिया में ही है, मोर देन आई गेस 60-70%। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर दोनों देशों के बीच में ही तनाव बना रहेगा तो चीज़ें नहीं निकल कर आती। सेकंड नंबर पर जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की है, तो अगर दो मेजर प्लेयर्स ही खुद में टेंशन्स में रहेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इन अ वे हैम्पर तो होती रहेगी। अगर हम इसके बाद और देखें तो जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो इतने ज़्यादा इंटरफेरिंग बोल सकते हैं, कॉलोनियल लेगेसी भी बोल सकते हैं इसको, कि ब्यूरोक्रेसीज ही हैंडल कर रही हैं चीज़ें एंड काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंच्ड हैं। एंड जो इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं वेरियस नेशंस में वो भी काफ़ी मायोपिक या शॉर्ट साइटेड व्यू रख रहे हैं कि ठीक है और नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा पोर्ट्रे करके ओवरऑल जो रीजन की डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा एंड इस चीज़ का खामियाजा पूरी रीजन को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ में, जो डेमोक्रेसीज हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, पाकिस्तान भी इसका एग्जांपल है, अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं तो टेररिज्म जैसे काफ़ी हद तक है वहाँ पर, तो वो कंट्रीज़ प्रॉपरली अपना 100% नहीं दे पाती इसी कारण से। एंड ऑल्सो जो साक है उसमें जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, तो जो कुछ ऐसे हैम्परिंग
जो कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स हैं वो प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाते एंड वो बिल्डअप होते रहते हैं, तो इसी कारण से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर उसकी फंक्शनिंग को रोक देते हैं। एंड इसके अलावा लैक ऑफ कनेक्टिविटी है बिटवीन द मेंबर्स। अगर हम ज्योग्राफिकल या फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो सभी नेशन जो दूसरे SAARC मेंबर्स हैं उनको बॉर्डर करता है, तो इस कारण भी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। एंड मोर ओवर क्योंकि इतनी फ्रीडम नहीं है मूवमेंट की, तो जैसे अब इंडिया को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो पाकिस्तान के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। एंड पीपल टू पीपल तो कांटेक्ट तो मिनिमल ही है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है SAARC रीजन में, तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, गवर्नमेंट्स को फोर्स नहीं किया जाता किसी चीज़ के लिए। एंड इसीलिए जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी तक अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाई है। एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी लैकिंग है, सिक्योरिटी या उसकी अगर हम बात करें टेररिस्ट थ्रेट्स की तो वो भी काफ़ी ख़राब हालत में है। जैसे ये सड़क दिख रही है आपको, इतनी ही ख़राब हालत है सिक्योरिटी एंड टेररिस्ट थ्रेट्स की वजह से। और अगर एक और पेक्यूलियर बात की अगर हम और ध्यान दें तो जो EU और आसियान से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो माना जाता है कि वो जो इकॉनमीज़ हैं वो मोर और लेस सेम ही साइज़ की हैं या उतनी ही पावरफुल हैं। ऑल दो कुछ कमज़ोर प्लेयर्स भी हैं उनमें, लेकिन कुछ मेजर पावर्स हैं, 4-5 कंट्रीज़ हैं, तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। लेकिन SAARC के केस में इंडिया क्योंकि अकाउंट करता है नियरली 60% ऑफ SAARC पॉपुलेशन, मैं पहले ज़्यादा 80% बोल गया, इट इज़ 60%, एंड एरिया या GDP ये भी काफ़ी सब्सटेंशली इंडिया के ही काउंट होती है SAARC में, तो इसलिए कोई अगर मैं बोलूं कि बैलेंसिंग प्लेयर नहीं है SAARC में, तो इस कारण भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती रहती हैं। एंड अगर हम बात करें सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा, इंडिया जो है सभी SAARC कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इसी वजह से जो एसिमेट्री आ रही है मीनिंगफुल कॉपरेशन में प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि जो दूसरे नेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेपरेटेड हैं, कोई भी एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कोई दूसरी SAARC कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अपने मेंबर्स के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर पा रही, तो इससे भी अगर फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है तो ऑब्वियसली जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। एंड एक जो फाइनल चीज़ है, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो ऐसे कंसिडर ही नहीं करती कि वो साउथ एशिया का पार्ट है। एंड जब तक आपको उस रीजन के साथ अपनी आइडेंटिटी की ही क्राइसिस है तो तब तक आप उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए सब्सटेंशियल एफर्ट्स ही नहीं उठाओगे। क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे अफगान्स को अगर हम देखें तो वो अपने आप को सेंट्रल एशिया का पार्ट मानते हैं, एंड पाकिस्तान प्रेफर करता है कि उसको मिडल ईस्टर्न कंट्री बोला जाए, एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स को लगता है कि वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से जो आइडेंटिटी क्राइसिस हैं अगर हम बोल सकते हैं इसको, या आइडेंटिटी मिसमैच है, इस वजह से भी जो साउथ एशियन रीजन है उसके लिए स्पेसिफिकली काम नहीं हो पा रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपेयर करते हैं वेरियस साउथ एशियन कंट्रीज ऑन वेरियस पैरामीटर्स। जैसे सबसे पहले हमारे पास है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की बात करें अगर हम तो इंडिया ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, एंड उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स। तो पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट। इसके बाद अगर हम देखें GDP पर कैपिटा, तो इस केस में मालदीव सबसे आगे है एंड लास्ट में है अफगानिस्तान, एंड इंडिया इज़ ऑन फोर्थ रैंक। तो इंडिया ऑल दो फोर्थ रैंक पर है लेकिन पाकिस्तान से आगे है, तो इसलिए GDP पर कैपिटा एक मेजर इशू है, इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के लिए, तो खास करके क्योंकि इतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है एंड इसी कारण से डेवलपमेंट इस चीज़ के कारण भी रुक जाती है क्योंकि एसिमेट्री है। आगे अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो इसमें श्रीलंका रैंक करता है फर्स्ट एंड मालदीव्स है सेकंड पर, एंड थर्ड रैंक पर है हमारा इंडिया, एंड लास्ट पर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि साइज़ और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के या सोशल पैरामीटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, उनमें भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है हमें। एंड लास्टली वी हैव पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसमें कौन सबसे आगे होगा, ऑब्वियसली विदाउट एनी गैसेस इट इज़ अफगानिस्तान। एंड श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इसमें, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बहुत कम है, एंड इंडिया इज़ अगेन समवेयर इन मिडल
ऑन फोर्थ रैंक ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान इस केस में हमसे अच्छा है। तो इन इंडिकेटर्स को अगर जैसे हमने कंपैरिजन किया, इनसे फ़ायदा क्या हो सकता है कि जो नेशन जहां पर वीक है, अगर हम ऑब्वियसली इन चार पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही जज करें, तो वो किसी और चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मालदीव्स ऑल द पॉपुलेशन वाइज कम है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही एरिया ऑफ कॉपरेशन पर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं कि जो कंट्री जिस चीज़ में लैगिंग है, उसको वहाँ से दूसरी कंट्री से इंस्पिरेशन लेकर या हेल्प लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। साक हमारे रीजन की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है एंड इंडिया इसमें लीडिंग रोल प्ले करता है। तो ये इंडिया के ऊपर भी, इंडिया की लीडरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी छोटी बातों को भूलकर मोटी बातों पर कंसंट्रेट करें एंड रीजनल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें, ना कि ऐसे छोटे मोटे मुद्दों में उलझे रहें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कोई ऐसे इंडिकेटर्स और होंगे, उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं अमंग वेरियस SAARC कंट्रीज। आपको एसेज या अगर हम बात करें आंसर्स की, उनमें भी हेल्प होती है एंड कई बार प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली कंपैरिजन के ऊपर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। आपको अगर कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।